नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल एंड MIS रिपोर्ट ऑटोमेशंस। दोस्तों, ये हमारी लाइव क्लासेस है, रात के 9:15 बज रहे हैं और हम सीखने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग VVA, मतलब की एडवांस फॉर्मूला। ये हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस है। तो इसके लिए क्या करते हैं लाइव क्लासेस के लिए, कि आप लोग अगर लाइव क्लास लेना चाहते हैं, सबसे पहले आप डेमो क्लासेस का फॉर्म भरें। मेरे सामने जो मेरा वेबसाइट का एड्रेस दे रहा है, उस एड्रेस पे, उसके बाद जिस टाइम और डेट पे हमारा डिस्कशन होगा डेमो क्लासेस के लिए, उस टाइम एंड डेट पे आपको एक मेल आएगा। जैसे कि अभी मैंने 20:45 का क्लास है, तो मैं ये सारे हमारे बैच में है, इनको मैं अभी मेल कर देता हूँ, मेल कर दिया। तो ये सारे लोगों को मेल पहुंच गया, मैंने डेमो ये बना रखा है, एक माइक्रो बना रखा है, जिससे ऑटोमेटिक मेल चली जाती है। तो इन सबों को मेल पहुंच गया, अब ये सब जो है ज्वाइन करेंगे और मेरे साथ लाइव क्लासेस लेंगे। जैसे स्क्रीन आपको डीवीडी में दिख रहा है या मेरी वेबसाइट पे दिख रहा है, सॉरी YouTube के वीडियो में, सेम ऐसी स्क्रीन उनको वहां पे दिखेगी और मेरे साथ वो लाइव कनेक्ट रहेंगे। तो देखिए किस तरह से वो मेरी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो इंतजार करते हैं उनके आने की, फिर स्टार्ट करते हैं क्लासेस, स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो सेशन है हमारा, वो सेशन है फॉर्मूला सिंपलाइजेशन के ऊपर, ठीक है। पिछले 2 से 3 क्लासेज में आपने देखा था कि किस तरीके से मैंने बड़े बड़े लेंदी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था, राइट। तो पिछली क्लासेज में आपने देखा कि किस तरह से हम बड़े बड़े और लेंदी फॉर्मूला का इस्तेमाल किए और काफी ज्यादा कंफ्यूज भी रहे। अब हम बात करते हैं कि इस तरह के बड़े बड़े और लेंदी फॉर्मूले को सिंपल कैसे बनाया जाए, ठीक है। सिंपल कैसे बनाया जाए यूजिंग द नेम मेथड, राइट। चलिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहां पे, मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा, फिर 2-3 एग्जांपल आपको खुद करने। आपको याद होगा जब मैंने फॉर्मूला कैलकुलेशन बताया था, तो मैंने बताया था MRP का फॉर्मूला, ठीक है। जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है, कॉस्ट अगर मान लीजिए 50 रुपीज होते, MRP क्या होगा, तो इसके लिए हमने एक बड़ी सी लंबी कैलकुलेशन की थी। आई थिंक आप लोग भूल गए होंगे, तो मैं उस कैलकुलेशन को दोबारा 2 मिनट में फटाफट कर देता हूं कि इसका कि 50 का 5% मैन्युफैक्चर लेगा, मतलब कि मैन्युफैक्चर जो है अपने प्रोडक्ट को बेचेगा इस रेट में, देन डिस्ट्रीब्यूटर अपने खरीद का 10% लेगा और बेचेगा होलसेलर को इस रेट में, देन होलसेलर क्या करेगा, अपने खरीद का 10% लेगा, 15% और बेचेगा किसको, रिटेलर को, एंड रिटेलर फाइनली 20% का मार्जिन रखेगा और किसको बेचेगा, कंज्यूमर को। तो ये इतना लंबा कैलकुलेशन हुआ था, तो इस कैलकुलेशन को एक करने के लिए, मतलब कि फॉर्मूले को मर्ज करने के लिए आपको बताया था कि आप फॉर्मूले की कैलकुलेशन को कॉपी करें। जैसे कि मैंने C6 की फॉर्मूले को कॉपी किया और जो C6 है उसके ऊपर मैं पेस्ट कर दिया, तो C6 और C7 का, C6 का फॉर्मूला C7 में मर्ज हो गया। ऐसे ही यहां पे C7 यहां के D6 का फॉर्मूला, C7 का फॉर्मूला D6 में मर्ज हो गया, D7 यहां पे, जहां जहां D7 था वहां वहां हमने डाल दिया, और यहां भी जहां C7 है वहां वहां इसको हम डाल देते हैं ब्रैकेट में, ताकि बोर्ड मास मेथड मिला रहे, मतलब कि कैलकुलेशन होता रहे। इसको कॉपी किया और यहां भी जहां D6 है उसकी जगह पे हम उसको पेस्ट कर देते हैं, फिर अगेन हम इसको कॉपी करते हैं और फिर इसमें जहां D7 है
वहां पे इसको पेश करते हैं। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन बहुत अच्छी चीज आपको मैं सिखाने जा रहा हूं। यहां पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। देन अगेन हम इस पूरे फॉर्मूले को कॉपी करें। इक्वल सेलेक्ट मत कीजिएगा, अगर आप इक्वल सेलेक्ट कर लेते हो तो दिक्कत होगा, तो इक्वल को सिलेक्ट मत कीजिएगा। तो यहां पे हम इसको इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट में इसको दे देते हैं। तो यहां पे हम वापस इसको कॉपी करते हैं और यहां पे हम इसको, तो फाइनली जो फॉर्मूला हुआ ये फॉर्मूला हुआ। अब प्रॉब्लम इज देयर कि अब इस फॉर्मूले को मैं कट करके यहां रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना लंबा फॉर्मूला करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्या बोल रहे हैं? समझ गए सर? ये हमारा लेंथी फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को मैं सिंपलाइज कैसे करूंगा? ठीक है, तो इस फॉर्मूले को सिंपलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? चलिए, जैसे कि मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करके यहां नीचे पेस्ट करता हूं, तो सिंपलाइजेशन का रूल है कि मैं जाऊंगा यहां फॉर्मूला मेनू बार में डिफाइन नेम। डिफाइन नेम में जैसे कि मैन्युफैक्चरर कॉस्ट, मतलब कि एमसी, एम अंडरस्कोर सी कर देते हैं, तो मैन्युफैक्चरर कॉस्ट होगा कि इक्वल 50 मल्टीप्लाई बाय 5%, सॉरी 2% हो गए, एम अंडरस्कोर सी। और इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि आप डॉलर साइन का इस्तेमाल ना करें, ऐसा करते हो तो फिर वो आपका सिर्फ एक सेल के लिए फिक्स हो जाता है। तो यहां पे इसको कॉपी कर लेता हूं ब्रैकेट में कि बी 10 मल्टीप्लाई बाय 5% प्लस, ये कर दिया। ओके, अब अगेन डिफाइन नेम पे जाते हैं। अब दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन कोस्ट, मतलब कि डीसी। तो डीसी के लिए कैलकुलेशन जो यहां हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कि एम अंडरस्कोर सी मल्टीप्लाई बाई 10%, ठीक है, और फिर हम इसमें प्लस करते हैं एम अंडरस्कोर सी। फिर तीसरा जो हमारा है कौन सा है? होलसेलर, मतलब कि एच सी, और एच सी के लिए यहां करते हैं हम सेम इक्वल डी अंडरस्कोर सी का 15%, डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स का 15% प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स। देन अगेन डिफाइन एम करते हैं, अब होलसेल कोर्स निकल गया तो एमआरपी फाइनली, और मैंने बोल दिया कि होलसेलर कोस्ट का 20% प्लस होलसेलर कॉस्ट। तो इसमें आप ब्रैकेट लगा दे ताकि इंश्योर हो जाएगी पहले मल्टीप्लीकेशन होगी एंड ओके।
अब यहां पे आप लगा दीजिए एमआरपी, रिजल्ट आपके सामने। तो एक फॉर्मूला आपके सामने है जो कि आपने लगाया, इतना लंबा फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करके किया, और दूसरा फॉर्मूला है आपका ए जो आपके सामने है। तो तरनदीप जी, सौरभ जी एंड कृष्णा गोयल जी एंड ऑल्सो दीपक जी, बताइए कौन सा फॉर्मूला आपको ठीक लगा? एमआरपी फॉर्मूला तो ठीक लगा, बट इसमें अगर रेट वेरिएबल हो और हमें बाद में चेंज करनी हो तो? अगर आप बाद में चेंज करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए परसेंटेज चेंज करना है आपको, 5% की जगह 15% हो गया, तो यहाँ 5% जहाँ बहुत बार दिख रहा है, बहुत बार है, तो इसमें चेंजिंग में दिक्कत होगा। अब मान लो कि 5% 7% बोल गया, तो यहाँ आप मेन मैनेजर में जाएंगे और माने कि मैन्युफैक्चरर कॉस्ट यहाँ 5% की जगह पे 7% कर लीजिए, इजिली चेंज, समझ गए? बट यहाँ पे बट अगर कई सारे प्रोडक्ट पे डिफरेंट प्रोडक्ट पे डिफरेंट मार्जिन रखना चाहेगा तो सर उसके लिए तो फिर अलग तरीका है ना, उसके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए हो सकता है ये? हाँ, तो उसका उसके डिफरेंट उसके लिए फिर लुकअप करना पड़ेगा, लुकअप से लेके उसका लेके आना पड़ेगा, तो अलग चीज है। तो बेसिकली मैं तो बता रहा हूँ फॉर्मूला सिंपलाइजेशन, तो जैसा फॉर्मूला होगा उसको उस तरीके से सिंपल करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं ए आपका एग्जाम्पल वन है, ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी एग्जाम्पल की। चलिए दूसरी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे सेल्स है और मैं यहाँ रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा देता हूँ। दीपक जी प्लीज, इतना बार ज्वाइन क्यों कर रहे हो? तीन तीन बार ज्वाइन कर रखा आपने, नेट का स्पीड कम जाएगा, क्वालिटी डल हो जाएगी, फिर बोलेगा सर ऑनलाइन क्लास में समझ भी नहीं आया। मैं ये एक्चुअली यहाँ से डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ सिस्टम से, मैं मोबाइल से कनेक्ट, सिस्टम पे लो आ रहा है। हाँ वही बता रहा हूँ ना कि आप तीन तीन जगह डिजाइन करेंगे, इंटरनेट तीन जगह बढ़ जाएगा ना। ठीक ठीक ठीक, ये मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा। अब आपके सामने यहाँ पे मेरे पास सेल्स है, और मान लीजिए मैंने आपको याद होगा इंसेंटिव निकालना सिखाया था, मतलब कि अगर 0 to 40 है, 41 to 80 है, 81 to 100 है और greater than 100 है, तो इनके लिए बोला कि 500 है, और यहाँ पे मैंने बोल दिया 90 है, यहाँ पे कि 1000 है, 2500 है, और यहाँ पे मैंने बोला कि 5000 है। तो इसके लिए हमने नेस्टेड इफ का फॉर्मूला लगाया था, कैसे कि इफ हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, माफ कीजिएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू 40, तो यहां पे 500 आए। देन इफ इसको सिलेक्ट किया, मैंने बोला अगर ए लेस देन इक्वल टू अगर 80 है तो यहां पे 1000 आए। देन अगेन इफ इसको सिलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 100, तो यहां पे 2500 आए, अदरवाइज 5000 आए, ये हमने बनाया। अब प्रॉब्लम ये है कि आप जैसे लोग हैं उन इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, अगर आपने किसी को लगा के दिया तो वो भी कॉपी पेस्ट करके लगा सकते, लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर किसी को आपने लगा के दिया, अगर वो एक्सेल का जानकार है तो ठीक है, लेकिन वो एक्सेल को नहीं जानता है पैदल एक्सेल में, तो उसको लगाने में तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, बार बार जाकर आप उसको बताओगे सिखाओगे फिर भी उसकी हालत खराब ही रहेगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसकी इस पूरे को कॉपी करते हैं और चले जाते हैं यहां फॉर्मूला बार में डिफाइन में, और मैंने यहां लिख दिया INC के नाम से बना दिया, और इक्वल उसमें हमने उस फॉर्मूले को पेस्ट कर दिया, माफ कीजिएगा इक्वल दो बार लग गया इसमें। अब मैं यहां पे
सिंपल अप्लाई कर दो INC और एंटर मार दो, नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, तो अब प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हर कोई यहां पे INC तो मैनुअली अप्लाई कर ही सकता है, क्या बोलना है? तो ये सिंपलाइजेशन, तो फॉर्मूला से आप बात ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला सिंपलाइजेशन में खास बात होती है कि हमने अभी जो माइक्रो बनाया वो यहां पे कर्सर रखा और यहां रेफरेंस लिया, तो आप कहीं भी 25 दिया और यहां पे INC अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोग कि मैंने यहां पे 65 दिया और मैं यहां पे इक्वल INC अप्लाई करूं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि रेफरेंस जो है वो बगल वाले से रखा है। तो एक छोटी सी यहां पे दिक्कत है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर प्लस पॉइंट का कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट तो होता ही है, तो समझिए कि इसका यही माइनस पॉइंट है। दीपक जी, कृष्णा जी एंड सौरभ जी, डिफाइन नेम वाल में सीट या तो ये किसी भी एक्सेल में चल जाएगी ये फॉर्मूला? नहीं, ये सिर्फ इसी एक्सेल के लिए है, क्योंकि नेम तो इसी एक्सेल में डिफाइन है ना। सिर्फ इसी वर्कबुक के लिए? हाँ, इसी वर्कबुक के लिए है। हाँ, और मैं दूसरे वर्कबुक में काम करूंगा तो नहीं होगा? मैं भी नहीं होना चाहिए, मैंने कभी ट्राई तो किया नहीं, मैं अंदाज से तो बल पर थ्योरी कहती है कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट आप एक बार अप्लाई ठीक, करके देखिएगा, हाँ देखते हैं इसको कल जरूर। ठीक है। तो फॉर्मूला सिंपलाइजेशन में यही होता है कि आप बड़े बड़े फॉर्मूला को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कि आपको याद होगा कि हमने लास्ट क्लासेस में आपके साथ क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था अटेंडेंस में, अटेंडेंस प्रैक्टिस 2 में, अटेंडेंस के लिए। तो यहां पे भी हमने लंबी बड़ी फॉर्मूला लगाया था, और मेरे हिसाब से ये फाइल आप लोगों के पास है, तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा करें ताकि इसमें जो फॉर्मूला है उसको सिंपलाइज करके मुझे बताएं, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने पिछले 2 क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किए थे, और मैं चाहता हूं कि आप इस फॉर्मूले को सिंपलाइज करें, और मेरे हिसाब से ये फाइल आप लोगों के पास होगी, तो क्योंकि ये फाइल मैं आप लोगों को मेल कर चुका था, ठीक है। ठीक है, तो आप जो है यहां पे, हाँ इसका इस्तेमाल करें, और ये फाइल जो आज मैंने बनाई है ये फाइल भी मैं आप लोगों को भेज देता हूं।